हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैथनी आइडल दोस्तों डायरेक्टर अजय बेहल की फिल्म द लेडी किलर ने आपने नहीं नाम सुना आप सुना तो ही नहीं अपने नाम अरे बाप रे मैंने मुझे भी आज ही पता चला कि इस टाइप की कोई फिल्म आ रही है स्टारिंग अर्जुन कपूर एंड भूमि पेडनेकर यानी कि अर्जुन कपूर द किलर एंड भूमि पेडनेकर द लेडी द लेडी किलर ऐसा लगता है ये अर्जुन कपूर की बायोपिक बन रही है द लेडी किलर इज एक्चुअल लेडी किलर और ट्रेलर मैंने देखा क्या बना रहे वो लोग सस्पेंस थ्रिलर बना रहे सेक्स थ्रिलर बना रहे क्या बना रहे कुछ बना रहे नहीं ट्रेलर में दामने दो तीन लोग घूम रहे और उसमें क्या वो फिल्म बनाई है ये दो तीन लोग कैरेक्टर में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों वो एक आध फिल्म उसमें बड़े बड़े तुर्रम खान होने चाहिए तब जाके फिल्म चली जैसे बच्चन साहब की बदला फिल्म थी तीन चार लोग ही थे मतलब बच्चन साहब वॉज इन द मेन लीड लेकिन तो वैसे लोग होंगे तो चलेगी पिक्चर अर्जुन कपूर भूमि पेटने गर ये दो लोग हैं और एक इक्का दुक्का लोग और पता है तो इतने में फिल्म नहीं चल सकती यू नो द ओनली फिल्म विच थ्री कैरेक्टर्स जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी राज कपूर जी संगम राज कपूर राजेंद्र कुमार एंड वजयंती माला जी वो तीन ही कैरेक्टर थे पिक्चर में और बाकी कुछ लोग थे लेकिन ज़्यादा पूरा अगर साढ़े तीन घंटे की पिक्चर थी साढ़े तीन पौने चार घंटे की पिक्चर थी उसमें सबसे ज़्यादा एक तीन कैरेक्टर ही बताए रहे थे होते थे स्क्रीन के ऊपर और बहुत बड़ी ब्लॉक पोस्टर फिल्म बनी थी तो इट्स नॉट दैट इजी टू मेक अ फिल्म विद फ्यू कैरेक्टर्स और फिल्म चले तो भी भूमि पेडनेकर द लेडी जिसे लोग किलर बन जाते हैं तो वॉट सॉन्ग विद भूमि पेडनेकर इज डूइंग थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर कमिंग और थैंक यू फॉर नॉट कमिंग छठी मूवी क्या है वो पिक्चर में समाज खराब हो रहा है अब ये फिल्म बनी हुई इसमें इसमें सारे बोल्ड सीन्स वॉट इज ट्राइंग टू प्रूव यश राज से उन्होंने डेब्यू किया था फिर ऐसी फिल्में करती है तो मल्लिका शेरावत करती है तो फिर लोग बोलते कि मल्लिका शेरावत सनी लियोनी ऐसा काम क्यों करते है? तो ये लोग करे तो चमत्कार दूसरे करे तो बलात्कार तो इट्स नॉट राइट थिंग तो लेडी किलर का ट्रेलर देखा मैंने कुछ मज़ा नहीं आया दोस्तों मुझे तो कुछ मज़ा नहीं आया और थर्ड नवंबर को रिलीज हो रही पिक्चर प्री दिवाली वीक तो प्री दिवाली वीक में ऑडियंस बहुत कम आती है फिल्म देखने के लिए कि प्री दिवाली वीक में बहुत कम फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और एक इक्का दुक्का फिल्म को बम्पर रिस्पॉन्स मिलता है जैसे कि दिवाली के एक हफ्ते पहले रिलीज़ हुई थी बॉबी दिवाली की फिल्म बरसात 94-95 में तो 100 परसेंट ओपनिंग मिली थी उसके एक हफ्ते दिवाली के दिन रिलीज हुई थी दिलवाले वाली ले जाएगी उसके एक हफ़्ते बाद दिलवाले दुल्हना ले जाएगी रिलीज हुई थी क्या क्या, क्या, क्या दो हफ्ते बाद रिलीज हुई थी तो उस पीरियड में उस पिक्चर को बंपर ओपनिंग लगी थी तब तो ये पिक्चर को कौन देखने जाएगा वो भी मुझे टेंशन है क्योंकि अभी हाल ही में रिलीज फिल्म कांगना रावत की फिल्म तेजस जो दो बार शो कैंसिल हो गए बावरी फिल का फर्स्ट डे शो कैंसिल हुआ था तो आई डोंट नो अर्जुन कपूर को देखने कौन जाएगा वो भी बहुत बड़ा सवाल है भूमि बेंटने का पिक्चर में और पिक्चर भी ऐसी है कि वॉट टू से तो देखते द लेडी किलर ऑडियंस कितना उसको देखने आती है और क्या वो मतलब शो शुरू होता है वो बहुत बड़ा बात है शो शुरू होगा ना तो मैं तो बोलूँगा बहुत बड़ी बात है व्हाट एवर द बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आफ्टर दैट नो मैटर्स फर्स्ट मैटनी शो गेटी गलेक्शन में शुरू हो जाना चाहिए बस फिर फिर बस ख़त्म दैट्स इज बहुत बड़ी बात है वो देखते क्या होता है तिलन की पोछी मोचन बहुत माइ टाइं गुड बॉय गुड ब्लेस यू ऑल